हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ शिवा अंगारे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हैवी बॉर्डर वाली साड़ी को किस तरीके से ड्रेप करना है, एज ए बनारसी साड़ी आपको किस तरीके से पहननी है। काफ़ी लोग इसको पहन नहीं पाते हैं, तो इसलिए आप सबसे पहले अपने साइड कॉर्नर को टक कीजिए अपने पेटीकोट में, इस तरीके से अच्छे से टक कर दीजिए ताकि इधर उधर इसका फैले नहीं। तो इस तरीके से मैंने पूरे को अच्छे से टक कर लिया है। ये काफ़ी लंबी साड़ी है, काफ़ी इसमें चौड़ाई है, तो थोड़ा सा पहनने में थोड़ी नहीं काफ़ी दिक्कत देती है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से इसको टक कर लेना है। टक करने के बाद सबसे पहले हम लेंगे एंड कॉर्नर। तो एंड कॉर्नर मैंने अपने पिनअप कर लेना है, सेट कर लेना, थोड़ा सा प्रेस करते हुए आप किसी पे रख के इसको अच्छे से प्लेट्स बना के इसको प्रेस कर लेना, उसके बाद अच्छे से पिनअप कर लेना। तो मैंने इसको सेट कर लिया है पहले से, क्योंकि आप जब पहनेंगे इसको सेट करेंगे तो अच्छे से आप सेट नहीं कर पाएंगे इसको। तो इस तरीके से फिर मैं लूँगी अपना नीचे वाली प्लेटों वाला हिस्सा। तो फिर मैंने ये साइड अच्छे से देखना है कि लेंथ सही है कि नहीं ऊपर वाले पल्लू की, फिर मैं इसको अच्छे से इसको करूँगी पिनअप। तो इस तरीके से आपको नीचे लगाना है, बीच में फ्रंट कॉर्नर में आपको ये पिन लगाना है, इस तरीके से सेट करते हुए अच्छे से पिनअप कर लेना है। जैसे मैंने किया है उसी तरीके से आपको पिनअप कर लेना है। पिनअप करने के बाद फिर आपको करना है प्लेटों को सेट। तो सबसे पहले आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब पहली प्लेट बनाते हैं तो थोड़ी बड़ी बनाइए। जिस हिसाब से अगर पहली प्लेट आप बड़ी बनाएंगे तो बाकी जो छोटी प्लेट्स बनाएंगे तो सेट करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी और बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो इस तरीके से सबसे बड़ी प्लेट थोड़ी सी आगे से भी लेनी है, बाकी साइड में बच जाता है कपड़ा तो आप इन कर लीजिए साइड में, तो उससे जो प्लेट्स की फिनिशिंग है काफ़ी अच्छी आती है। तो इस तरीके से मैंने अपनी प्लेट्स को कर लिया है। इस तरीके से हमको एक एक प्लेट को सही से मैनेज करना है कि प्लेट फैले नहीं। तो इस तरीके से करने के बाद हम अब नीचे से प्लेट को भी अरेंज करेंगे एक एक प्लेट को लेते हुए, क्योंकि ये हैवी साड़ी होती है, थोड़ा सा सिल्क टाइप का रहता है ये कपड़ा, तो काफ़ी दिक्कत आती है हमको प्लेट्स बनाने में। तो इस तरीके से हम एक एक प्लेट्स को अच्छे से अरेंज करेंगे। आपको थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन जब तक आप परफेक्ट साड़ी नहीं पहनेंगे तो उससे कोई अच्छा नहीं होने वाला है। तो आप अच्छे से इसको हल्के हल्के हाथों से प्रेस सा करिए, हाथों से ही प्रेस करेंगे ताकि वो जो प्लेट्स हैं काफ़ी अच्छा उभर के आएंगे। तो इस तरीके से मैं एक एक जो प्लेट को अरेंज कर रही हूँ। आराम से कीजिए, थोड़ा टाइम देके, काफ़ी हैवी साड़ियाँ होती हैं उनको टाइम देके आपको करना है मैनेज, क्योंकि अगर कोई भी प्लेट आपकी इधर उधर फैली, साड़ी जब तक परफेक्ट नहीं पहन पाएंगे तो अच्छी फिनिशिंग देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको खुद नहीं अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से मैंने अपना कॉर्नर को, वो थोड़ा सा कॉर्नर बचा था उसको अंदर ही आप अंदर इन कर लीजिए, क्योंकि वो साड़ी का ऊपर का पल्लू आता है तो वो बिल्कुल नहीं दिखता है। तो आप अच्छे से मैनेज करने के बाद फिर आप उसको नीचे वाली प्लेटों में एक सेफ्टी पिन से आप उसको सिक्योर कर लेंगे, ताकि आप चलेंगे और किसी भी डांस करेंगे, पार्टी वगैरह में जा रहे हैं तो डांस वगैरह करेंगे तो बिल्कुल भी साड़ी हिलेगी नहीं कहीं से भी आपकी। तो इस तरीके से आपने नीचे पिन को पिन से सिक्योर कर लेना। उसके बाद आपको एक पिन लेनी है और जहां ऊपर वाला पल्लू है उसको भी आपको अच्छे से उसको पिनअप करना। और पिनअप जब आप करते तो थोड़ा पीछे की साइड से पिनअप कीजिए, अगर आप सर पे डालेंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से अब मैं अपने नीचे वाली प्लेट्स को इस तरीके से अरेंज कर लूँगी, थोड़ा उठा के उनको एक एक प्लेट लेने के बाद आपको अच्छे से अरेंज करते हुए थोड़ा सा मोड़ देना है ताकि वो फूली फूली नहीं दिखें, क्योंकि ये साड़ियाँ होती हैं बड़ा मुश्किल से पहन पाते हैं। तो उसको आप अच्छे से अरेंज कर लीजिए, इसी तरीके से आपको अरेंज कर लेना है अच्छे से प्रेस करते हुए। इस तरीके से जब आप प्रेस करते हुए अरेंज करेंगे तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा। उसके बाद फिर मैं करूँगी ऊपर वाली प्लेट्स को सेट। इस तरीके से आपको सेट करना है, एक एक प्लेट को लेके अच्छे से सेट कर लेना है। आपको नीचे भी प्लेटों को सही से रखना है, इस तरीके से आपको कर लेनी है। उसके बाद आप कमरबंद बांध देंगे, इस तरीके से इसका लुक आएगा। लुक बहुत अच्छा है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूं। आपको मेरी अगली वीडियो भी अच्छी, अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो अच्छी लगती है या आपको और भी किसी भी स्टाइल की साड़ी पहनने का है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें।